ठीक है बेटा, तो आज की क्लास अलंकार की है। अलंकार का मतलब होता क्या है बेटा? अलंकार का मतलब होता है, सारे बड़ा ध्यान से सुनो, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है ज्वेलरी। क्यों बेटा ज्वेलरी हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा होता है? नहीं, हम इसलिए पहनते हैं बेटा ज्वेलरी, कम पैसे वाले नकली पहन लेते हैं। हम इसलिए पहनते हैं ताकि हम सुंदर लगे, अच्छे लगे, तो किसी चीज को और सुंदर बनाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए आभूषणों का यूज होता है। किसमें? लिखने में भी होता है। इसमें लिखने में भी होता है, कविताओं के अंदर होता है ना? तो बेटा उसी को अलंकार कहते हैं, और कुछ कोई नहीं बात है। ठीक बेटा, अलंकार के तीन मुख्य प्रकार है। कितने? तीन मुख्य प्रकार है। पहला प्रकार शब्द अलंकार, दूसरा है बेटा अर्थ अलंकार, और बेटा तीसरा है अभ्यालंकार। ठीक है बेटा, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें बेटा जो पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग, हमारी जो बेस होना चाहिए नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ इतना है जितना आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। आपके टोटल मार्क जो भी है यहीं से आएगा, एक शब्द आपका ऊपर से नहीं आएगा। देखो बेटा शुरू करते हैं। तो इसके भी बेटा कुछ प्रकार है, इन तीन प्रकारों के भी प्रकार है। होते तो बेटा बहुत प्रकार है, लेकिन कुछ मेन प्रकार है, चार ऐसे प्रकार है जो आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार, और फिर है रूपक अलंकार। बेटा यही प्रमुख अलंकार कहलाते हैं। प्रमुख अलंकार क्या है? अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक, यही बेटा क्या है? प्रमुख अलंकार है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा अनुप्रास अलंकार के बारे में। किसके बारे में? अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो बेटा पहला है अनुप्रास, एक वर्ड, जब एक वर्ण बार बार रिपीट हो, क्या अपने एक ही स्थान पर, समान स्थान पर बार बार रिपीट हो, को बेटा मैं अनुप्रास अलंकार कहता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अनु का मतलब ही होता है बार बार। अनुप्रास में अनु का मतलब बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण, जब एक ही वर्ण बार बार समान स्थान पर रिपीट हो। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें, क्या बेटा? चारू चंद्र की चंचल किरणें। आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा? चा। देखो बेटा ये चा, ये देखो बेटा चा, ठीक है, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है ना। तो ये बार बार एक ही शब्द और एक ही जगह पे, यहाँ पे एक ही जगह पे, देखो चा यहाँ शुरू में था तो यहाँ भी और यहाँ भी, समझ में आ गया। अगला उदाहरण देखते हैं, चोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या चीज रिपीट हो रही है बोलो? इसके अंदर बेटा टा रिपीट हुआ, देखो टा टा टा, इधर टी टी लिखा हुआ है। अब एक बात देखो, टी बेटा इसमें एंड में आएगा, इसमें भी एंड में आया, इसमें भी एंड में आया, मतलब वर्ड रिपीट, जो वर्ण होता है रिपीट होगा, वर्ण रिपीट होगा, पर लेकिन उसकी पोजीशन भी वही की वही रहेगी। पोजीशन भी बेटा देखो, यहाँ चा शुरू शुरू में था और यहाँ टा बाद में था, तो सब जगह बाद बाद एंड में ही है। समझ में आ गया बेटा? इस प्रकार का कहीं भी दिखाई दे तुम्हें, उसी को तुम आंख बंद करके अनुप्रास अलंकार में डाल देना। ठीक है बेटा, तो अलंकार में जो दूसरा प्रमुख अलंकार हम पढ़ने वाले हैं, चार अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक में से दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यमक अलंकार। कौन सा बेटा? यमक अलंकार। देखिए बेटा इसके बारे में देखिए, यहां पर क्या है बेटा, इससे पहले अनुप्रास में शब्द मतलब एक वर्ण रिपीट हो रहा था, जैसे चा और यहां पर टा, तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा शब्द, एक पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन हर बार उसका मतलब अलग होगा। एक ही वर्ड मतलब शब्द जब पहले होगा, फिर वही शब्द उसमें दोबारा होगा, एक ही लाइन में शब्द एक ही होगा, बोलने में बिल्कुल एक ही होगा, लिखने में बिल्कुल एक ही होगा, लेकिन मतलब दोनों बार अलग देगा, मतलब दोनों बार अलग देगा, वही बेटा यमक अलंकार कहलाता है। उदाहरण करते हैं, पहले देखो काली घटा का घमंड घटा, बेटा देख रहे हो क्या है, घटा दो बार आया, एक बार ये आया देखो काली घटा, फिर आया घमंड घटा। अब इनमें दोनों में क्या अंतर है भाई? काली घटा का घट, इस यहां पे हो गया बादल, ये वाली घटा तो बादल हो गई, और घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ, बात समझ में आई? मतलब शब्द एक ही है लेकिन दोनों बार इसका अंतर क्या हुआ? अलग अलग हुआ, बात समझ में आ गई बेटा? अगला उदाहरण देखो और समझ में आएगा, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, इसका क्या मतलब है? देखो बेर दोनों बार रिपीट हुआ ना, अब इसमें क्या हुआ बेटा, इस वाला बेर और उस वाले बेर का अंतर क्या है? लिखने में सेम,
दिखने में सेम लेकिन मतलब है दोनों बार अलग अलग। जैसे तीन बेर खाती थी, मतलब तीन बार, यहाँ पर क्या हो गया, टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। जैसे बोलते हैं मैं एक टाइम खाता हूँ, मैं दो टाइम खाता हूँ, मैं तीन टाइम वर्जिश करता हूँ, ये क्या हो गया, तीन बेर खाती थी, मतलब तीन बार खाती थी, तीन टाइम खाती थी वो, वह बस आज क्या करती है, तीन बेर खाती है। यहाँ पर बेर कौन सा हो गया, फल, शबरी वाला फल हो गया ना, जो शबरी चक्कर के लाती थी। तो क्या कहते हैं, पहले तो बेचारी तीन तीन टाइम खाया करती थी, लेकिन अब तो सिर्फ तीन बेर खाती है पूरे दिन में। समझ में आ गया, देखो यहाँ का बेर और यहाँ के बेर में क्या हो गया, अंतर हो गया। इसी यही था बेटा आपका यमक अलंकार। अब बेटा अलंकार के अंदर प्रमुख अलंकारों में से तीसरा अलंकार हम करने वाले हैं, अनुप्रास यमक कर चुके, आज हम करेंगे उपमा अलंकार। बेटा उपमा अलंकार ये क्या है, जब किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी का कंपैरिजन किया जाए, किसी की तुलना की जाए, तो बेटा वो क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। बस इतना सा आसान है। जैसे तुम चांद जैसी हो, क्या हो, तुम चांद जैसी हो। अब भाई चांद जैसी हो ना, चांद तो नहीं हो, लेकिन मैंने क्या किया, आपका कंपैरिजन किससे किया, चांद से कर दिया, तो उसी को बेटा हम उपमा अलंकार कहते हैं। मतलब किसी को, किसी की उपमा दे देना, किसी की उपमा दे देना कि तुम तो शेर की तरह हो, है ना, मेरा दोस्त तो शेर की तरह है, है ना, तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे कि हमने कंपैरिजन किससे किया, शेर से किया। बेटा एक उदाहरण ये देखो, सिंधु सा विस्तृत और अथाह, मतलब सिंधु क्या है, नदी है, ठीक है। अब वो पाकिस्तान में ज्यादातर उस तरह से वहां बहता है, आप एसएसटी में पढ़ के आए हुए सिंधु नदी तंत्र, कहाँ से निकलती, कहाँ को जाती, कहाँ कहाँ पर होकर बहती, सहायक नदी, आप सब कुछ जानते हो, नहीं जानते एसएसटी की वीडियो देखो। सिंधु सा विस्तृत, विस्तृत मतलब विशाल, बड़ा, क्या, और अथा मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्या है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्या होगा, हमने किसी वस्तु है या कोई व्यक्ति है उसकी बेटा कंपैरिजन सिंधु से की हुई है, सिंधु नदी से की हुई है, कि तुम सिंधु नदी की तरह हो, विस्तृत हो, फैले हुए हो, विशाल हो, और अथाह हो मतलब आपकी कोई लिमिट नहीं है। निर्धन के धन से तुम आई, तुम कैसे आई हो, जैसे गरीब के पास पैसा आता है, जैसे गरीब तो क्या लाता है, थोड़ा पैसा भी क्या लाता है, बहुत बड़ी खुशियां लाता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका उपमा अलंकार खत्म हो। अब अलंकार के प्रमुख अलंकारों में हम अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार कर चुके हैं, अब बचता है रूपक अलंकार। ठीक है बेटा, रूपक अलंकार पढ़ते हैं क्या है, अभी तक कोई परेशानी नहीं, सबको समझ में आ रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज आ रही चाहिए, पूछो तो। रूपक अलंकार इसका मतलब जहां रूपी शब्द का इस्तेमाल हो, क्या, रूपी शब्द का इस्तेमाल हो, जैसे तुम तो चांद रूपी हो, क्या हो, चांद रूपी हो, तो चांद जैसे नहीं, चांद के रूपी हो, चांद के रूपी हो। जैसे उदाहरण के लिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले ही, मैं तो चंद खिलौना ले ही, मतलब चांद रूप खिलौना लूंगा, चांद जैसा खिलौना लूंगा, तो जैसा वाला वाला जैसा नहीं है, पहले कंपैरिजन नहीं है, इसमें तो बेटा चांद जैसा ही खिलौना चाहिए, चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए, यही बेटा रूपक अलंकार होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम अलंकार समझ चुके हैं, अलंकार के प्रमुख चार उदाहरण भी हम जो है, चारों प्रमुख जो उसके उदाहरण हम समझ चुके हैं, प्रकार समझ चुके हैं, उनके उदाहरण भी कर चुके हैं। तो ये बेटा क्या है, मैंने आपको चार यहाँ पर शब्द दिए, चार यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस दिए, आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा अलंकार कहाँ पर है। तो पहला है बेटा, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसका मतलब रवि सम मतलब रवि के समान, बाल रवि के समान लाल हुआ, किसके समान हुआ बेटा, रवि के समान। रवि क्या है, रवि क्या होता है बेटा, सूर्य होता है, है ना, और ज्वाला सा बोधित हुआ, तो बेटा ये क्या है, किसी के साथ कंपेयर हो रहा है, सूरज के साथ कंपेयर हो रहा है, ज्वाला के साथ बेटा कंपेयर हुआ है, सा रवि जैसा, रवि सा, तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, कौन सा अलंकार इसके अंदर आ गया, जब कंपेरिजन होता है किसी के साथ, उपमा हो जाता है, उपमा। ठीक है, सही है, कितने बच्चों का सही हुआ भैया, एक हमारा, मेरा एक, दो तीन चार, चलो बेटा चार बच्चे ठीक कर पाए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखोगे। अगला देखो बेटा क्या है, रघुपति राघव राजा राम, बेटा करो इसको, रघुपति राघव राजा राम, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो रा रिपीट हो रहा है ना, समान स्थान पर रा रिपीट हो रहा है, वर्ण रिपीट हो रहा है, वर्ण को बार बार जब रिपीट हो बार बार, तो अनु
परास अनुपरास परास मेरा सही है। तो बेटा इसे पहचानना तो ज्यादा आसान था, और जो बच्चे नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं इसको, वो बेटा पिछली वीडियोस देखें, पिछले लेक्चर देखें और पहले समझें कि अलंकार क्या होता है, और उसके बाद इसे करेंगे तो आराम से कर पाओगे, इजी है। ठीक, अगर देखो यहाँ पर क्या है, चरण कमल बंदी हरिराई, मतलब चरण, चरण मतलब पैर, कमल मतलब कमल का फूल, बंदी हरिराई मतलब ये कहना चाहता है कि चरण कमल मतलब चरण कैसे हैं, कमल है, कमल है, कमल जैसे नहीं। सा लिखा है यहाँ पर नहीं, सा या बीच में कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है नहीं, तो चरणों को बेटा कमल से सीधा क्या, कमल के समान बताया गया, बिल्कुल समान नहीं कि आप कह सकते हो कि चरणों को कमल ही बताया गया है, क्या चरणों को कमल ही बताया गया है। तो बेटा उसके अंदर क्या है, चरण कमल बंदी हरिराई, तो जहां पर बेटा कंपैरिजन ना हो, बिल्कुल उसके समान बता दिया जाए, रूप ही बता दिया जाए, तो बेटा वहां पर हमारा कौन सा अलंकार रूपक लगता है, बता, रूपक अलंकार सही है, रूपक अलंकार लगता है। ठीक है, अब बेटा फोन बंद कर लो, कोई फोन बज रहा है, अगला देखो लास्ट है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, क्या सेवक सचिव सुमंत बुलाए, देखो सा 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 सेम स्थान पे, पहले शुरू शुरू में तो शुरू में, तो बेटा हमें पता है जब एक वर्ड रिपीट होता है एक ही स्थान पर तो उसको हम बोलते हैं बेटा अनुप्रास। तो आपने देखा अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण रघुपति राघव राजा राम जी का। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके के और एग्जांपल्स करते रहे, ठीक है, और किसी उदाहरण में आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं उसका सॉल्यूशन, या किसी प्रकार के लेक्चर में वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है लोगों को, बच्चों को किस चीज में ज्यादा दिक्कत आती है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में डिफरेंस करने में बेटा दिक्कत आती है, तो उसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक, इससे कि आपको जो आपकी ये दिक्कत है वो भी खत्म हो जाए। देखो बेटा रूपक और उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार के बारे में क्या बताया था मैंने, जब किसी वस्तु या व्यक्ति से हम कंपैरिजन करते हैं, किसी का कंपैरिजन करते हैं, किसी की तुलना करते हैं एक, और रूपक अलंकार में जब बेटा उसको उसी के रूप के समान मान लिया जाता है, या व्यक्ति और वस्तु बिल्कुल ही समान मान लिए जाए, जैसे कि, और एक चीज ये समझो, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमेय क्या है जिसकी तुलना की जाए, बेटा आवाज आनी चाहिए जब मैं पूछूं तो, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, मतलब जिससे तुलना की जाए, जैसे कि बोल रहा है वह शेर की तरह बहादुर है, तो वह कौन हो गया इसके अंदर, उपमेय, क्या हो गया उपमेय, मतलब जिस उसकी तुलना हो जाए किससे, और किससे हो रही है, जिस शेर से, तो उपमान क्या हो गया यहाँ पे, शेर हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखना, हो सकता है पूछ के, देखो उदाहरण देखो, वह शेर की तरह बहादुर है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, शेर से, बहादुरी में शेर से, तो ये बेटा उपमा अलंकार है, जब किसी से कंपैरिजन हो रहा है डायरेक्ट। देखो तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो, देखो चांद के समान तुम क्या हो, सुंदर हो, चांद से कंपैरिजन हो रहा है उसकी सुंदरता का, वहां बहादुरी का। यहाँ पे तुम गधे की तरह हो, क्या बोल रहे हो, तुम तो गधे की तरह हो, है ना, अब बात कुछ भी हो सकती है किस बात पे बोल रहा है, तुम तो गधे की तरह हो, लेकिन यही देखो रूपक अलंकार पे फोकस करो तो व्यक्ति और वस्तु में बिल्कुल समानता हो जाए, मतलब उपमेय और उपमान बिल्कुल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे कि पहला, वह तो शेर है, वह तो शेर है, शेर की तरह नहीं है, शेर ही है, शेर के रूप में है, बिल्कुल शेर है, क्या बोलता है यार तू तो शेर की तरह है, लेकिन क्या बोलते हैं भाई तू तो शेर ही है। ठीक, अगला देखो, उसका दिल सोने का है, हमने बोला उसका दिल सोने जैसा है, नहीं हमने क्या बोला, उसका दिल सोने का है, मतलब अच्छा दिल है, बड़ा बड़े दिल वाला है, अच्छे दिल वाला है, अच्छा आदमी है। ठीक, अगला तुम गधे हो, हमने नहीं बोला कि तुम गधे की तरह हो, यहाँ देखो क्या लिखा है, गधे की तरह हो, यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं सीधा, तुम गधे हो, मैं गधाई बता दिया मैंने, मैंने ये नहीं बोला गधे की तरह हो, सीधा बोल दिया तुम तो गधाई है भाई, समझ में आ गया। जब उपमेय और उपमान को बिल्कुल हम समान करते हैं वो हो जाता है हमारा रूपक अलंकार, ठीक, जिसमें रूप की बात हो, ठीक, और यहाँ पर जिसमें उपमा अलंकार, जिसमें सिर्फ कंपैरिजन तक बात रहती है। आई होप बेटा सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है।